बेसिकली सब लोग कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम काम कर रहे हैं और खुद से एक्सपेक्ट भी ना करें कि ठीक है, हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो ये होना चाहिए कि आप कर्म करो और फल की चिंता सिर्फ उस हद तक करो जिस हद तक वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है, और उस फल के ना मिलने की भी एक गुंजाइश छोड़ दो, बट पहले कैलकुलेट करो। ये हम नहीं करते हैं, जिस वजह से गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि किसी के भी चाहने से कुछ नहीं होता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी दुनिया है ना, इसने बहुत गंद मचा दिया है। मतलब क्या आप लोगों के माइंड में भर दिया है कि अगर आप बैठ करके कुछ भी सोचते रहोगे या कुछ चाहोगे तो ये पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपको वो चीज़ दिलाने में। मैनिफेस्टेशन, मतलब ब्रह्मांड तो वेला है आप ही के लिए काम करेगा, उसके पास में और कोई तो काम धंधा है ही नहीं, सिर्फ आप ही हो, क्योंकि आप चाह रहे हो। और आप हो कौन जो आप चाह रहे हो तो ब्रह्मांड आपके पीछे लग जाए? अरे आपके चाहने से आपके घरवाले कुछ नहीं करते, आपकी घरवाली कुछ नहीं करती। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि चाहने से कुछ होता है। Whenever you are doing something, पहले कैलकुलेशन करो कि ये होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये नहीं होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो दोनों को कैलकुलेट करके और दोनों को कंसिडर करके कि अगर हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर एक स्टेप उठाओ। तो एक्चुअल में फल की चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने दोनों फल को अकाउंट में ले लिया है, अच्छा फल भी बुरा फल भी। बट अगर आप इसको इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं बस मेहनत करता चला जाऊंगा या मेहनत करती चली जाऊंगी और जो भी होगा उसकी मैं चिंता नहीं करूंगी, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू वर्क। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है स्पेशली इस एज ग्रुप में कि ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों ही क्लियर नहीं है। तो कोई भी आ करके कोई भी आपको, आपके पेरेंट्स को ऐसे सपने दिखा देता है या इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देता है जो आपको पता भी नहीं लगता है। ऐसी वेब सीरीज बन गई है जहां पे इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है कुछ प्रोफेशंस को कि वो डिजायर्स आपके अंदर पैदा हो जाते हैं। फिर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे होते हो जहां पे उस रेस को जीतने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। फिर आपके घरवाले आपको कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम करते चले जाओ, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम बैठे तो हैं। अरे जो उस इंसान का मॉरल डाउन होगा, जो उस इंसान कि जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी धज्जियां उड़ेगी, उसका क्या? उसका जो टाइम खराब हुआ 4-5 साल, उसका क्या? उससे तेज भागने वाले बहुत सारे नजर आ रहे हैं, फिर भी उसको भगाए चले जा रहे हैं, और वो भी भागे चले जा रहा है, भागे चले जा रही है। और फिर क्या डायलॉग चेप रहे हैं वहां पर जाकर के कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मतलब क्या, अपनी लाइफ को खराब कर लो और फिर ना यहां के रहो ना वहां के रहो, और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाए, कोई तुमसे पूछे हाँ भाई क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, तैयारी करी। उस तैयारी से क्या होता है? कहीं जॉब इंटरव्यू में जाओ, जाकर के बोलो मैंने तैयारी करी। तो किस काम की है वो तैयारी अगर नहीं हुआ तो? और जब होने की पॉसिबिलिटी ही इतनी कम थी तो उस रास्ते पे गए ही क्यों? बहुत लोग ये भी बोलते हैं, कहते हैं सर अगर ये ना करें तो क्या करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे तो बूढ़े हो गए हो क्या? 80 साल के हो गए हो, 20-22 साल के हो नहीं, बोलते क्या होगे सर हम और क्या करें अगर ये ना करें तो? अरे अपना कुछ क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में जो है इस दुनिया की उसको सॉल्व करो। अगर इस एज में नहीं करोगे तो कब करोगे? बट आपको कोई अपने बेनिफिट के लिए बड़े सही तरीके से यूज कर रहा है, जिसमें वो लोग इतना कमा रहे हैं आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको कोई भी बड़ा सा सपना दिखाया जिसको सुन करके आपके अंदर गूजबम्स आए, और फिर कहा कि ये है वो रास्ता, आ जाओ हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। और एक बार में किसी का नहीं होता है, देखो उसका भी 5 बार में हुआ था, तो 4-5 बार तो सोच करके ही चलो, और 8-10 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर 10 लाख रुपए उन्होंने आपके जैसे 10,000 बच्चों से ले लिए तो कितना पैसा हो गया उनके पास में? 1000 करोड़। और ये जो 10,000 बच्चे हैं जिनके पास से 10-10 लाख रुपए गया, उनके लिए उस 10 लाख की वैल्यू क्या थी? कहां से आया उनके पास में? किसी ने लोन लिया, किसी ने अपना खेत बेचा, किसी ने अपना घर गिरवी रखा, लेकिन उससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो। मान लो कुछ बच्चों का हो भी गया, और वो तो होना ही है, अरे लॉटरी टिकट में भी किसी ना किसी की तो निकलती है। तो कुछ का हो गया बाकी उसमें से बहुत सारे बच्चे, मानो हजारों लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले गए। उनकी बात क्यों नहीं होती है कभी? ये क्यों नहीं बोला जाता आने वाले 5 साल बाद हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट ये बातें कभी नहीं करी जाती। और ऐसी बातें कोई करता है, नेगेटिव बातें मत करो, पॉजिटिव बातें करो। जैसी दुनिया आप लोगों को दिखती है ना, वैसी है नहीं। सबने मास्क लगाए हुए हैं तरह तरह के। उस मास्क के पीछे हर एक का अपना एक मोटिव है। उस मोटिव को पूरा करने के लिए आप लोगों को यूज किया जाता है। फिर ऐसी बातें करी जाती है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ऐसी जगह का जो माहौल होगा वहां पर ओवर ऑप्टिमिज्म होगा। वहां पर ऐसी ऐसी बातें होंगी जिससे कि आप लोग हिप्नोटाइज हो जाओ, ब्रेन वॉश्ड हो जाओ पूरे तरीके से, आप और आपके फैमिली मेंबर्स। और बस जैसे घोड़े होते हैं ना, यहां पे वो लगा दिया, ना इधर देखो ना उधर देखो, बस भागते रहो। और इतनी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आती है कि अगर किसी आउटकम के पीछे आप बहुत मेहनत करते हो बहुत सालों तक, और अगर वो अचीव नहीं होता है तो आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है, रिग्रेट आ जाता है। ये दुनिया से आप आंखें नहीं मिला पाते हो। कोई भी आपको मिलता है तो वो आकर के आपको इस नजरों से देखता है कि आप एक फेलियर हो, एक लूजर हो। तो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है। तो ऐसे रास्तों पर चलते क्यों हो? इतने क्या वर्ड यूज करूं, इतने वो क्यों हो? मतलब कभी क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? सर, पेरेंट्स को लगता है कि यही दो फील्ड है जो कि सक्सेसफुल है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी अभी एज कितनी है? 22। मान लो आपके घर वाले कहते हैं कि भाई हमारी शादी तो हो गई थी 18-19 की एज में, अब तू 22 का हो गया, बहुत हो गया, और यही दो लड़कियां हैं, दोनों में से फटाफट से बता तेरे को किससे शादी करनी है, और दोनों ही आपको पसंद नहीं है, तो क्या करोगे? शादी करोगे नहीं करोगे? नहीं। लेकिन आपके पेरेंट्स कह रहे हैं। क्यों नहीं करोगे? पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाओगे। बच्चों का भी तो मन होता है ना। फिर तो करियर में आपका मन क्यों नहीं होता है? हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। जहां हमें लगता है कि ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, यानी शादी के मामले में आज की डेट में सारे बड़े समझदार हो गए हम लोग। ऐसा नहीं है कि घर वाले पकड़ करके ज़बरदस्ती आपकी कहीं भी किसी से भी शादी करा सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, ज़बरदस्ती आपके घर वाले आपकी शादी नहीं करा सकते। और दो ही बड़े डिसीजन हैं लाइफ में, एक करियर, एक शादी। तो करियर के मामले में अपने पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम क्यों डालते हो? पेरेंट्स से बहस क्यों नहीं करते हो? पेरेंट्स को समझाते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके पास में कुछ है ही नहीं समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। बात करोगे तो पता है क्या करोगे, जा करके कहोगे कि मेरे को ये सब नहीं करना है। अच्छा, पेरेंट्स पूछेंगे ठीक है बेटा नहीं करना है, कोई बात नहीं, क्या करना है तुझे? वो मैंने ना ऑनलाइन देखा है, वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आजकल बहुत चल रहा है। और पेरेंट्स के माइंड में एकदम से क्या आएगा? अब आ गया वक्त सड़क पर आने का। तो पेरेंट्स 2-4 गालियां देंगे आपको, जरूरत पड़ी तो 1-2 लगाएंगे और कहेंगे चुपचाप ये करता रहे। तो प्रॉब्लम पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम मत करो। अगर कोई ढंग की बात करोगे पेरेंट्स के साथ में तो वो मना नहीं करेंगे, बट ढंग की बात करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा ना, तो वो हम एफर्ट करने को तैयार नहीं है। अगर हम अपना कुछ करने के बारे में सोचते भी हैं तो हम शॉर्टकट मारते हैं फटाफट से। जैसे मैं कहता हूं अपना कुछ करो, तो अब आप क्या कहोगे? चलो देखते हैं अपना करने का क्या सबसे आसान तरीका है, जहां कुछ करना ना पड़े, बस फटाफट से बहुत सारा पैसा आ जाए। तो ऐसी जो आपकी मेंटालिटी है उसको एनकैश करने के लिए अगेन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, आओ ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। अब पेरेंट्स के पास में जाओगे, जा करके बोलोगे कि मेरे को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स करना है, उसके लिए 50,000 रुपये चाहिए या 25,000 रुपये चाहिए। वो कहेंगे चल भाग यहाँ से। फिर आप क्या करोगे? फिर यहाँ पर आ करके बैठ करके बोलोगे अब मेरे जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही मुझे करना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ेगा। अरे घोचू, अगर तुम्हारा मन नहीं है, सुनो ध्यान से सुनो, एक बार को कोई ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको क्रैक करने का आपका मन है, आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं लेकिन आपका मन है, तो फिर भी एक बार को पॉसिबिलिटी है कि इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अपनी जगह बना लोगे और उसको क्रैक करके आगे तक पहुंच जाओगे। बट एक तरफ से है भयानक कॉम्पिटिशन, मतलब ये मान लो एक तरफ से एक रेस हो रही है जहां पे लाखों लोग भाग रहे हैं और आप कह रहे हो मेरा मन नहीं है, पेरेंट्स ने जबरदस्ती मेरे को उस रेस में घुसा दिया है, तो अब आपके जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0%। कांट यू सी दैट? सर ब्रेन वॉशिंग तो वहाँ भी हो सकती है सर। अगर हम फॉर एग्जांपल हम MLM या स्टॉक मार्केट अगर वहाँ पे जाएं तो बहुत बैठे हैं कि आपका पैसा ले लेंगे कुछ टाइम के लिए, आपको कोर्स बेचेंगे देन वापस से जब आपका पैसा चला जाएगा देन वो बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। एंड देन मैंने मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पैसे लगाए एंड देन उनके पैसे चले गए उस इसी चीज़ों में। तो फिर एटलीस्ट कम से कम हमारे पास एक सिक्योरिटी तो है कि बहुत सारे लोगों ने मतलब इस बात पे गए हैं तो हमें पता है कि ये बात मतलब कुछ गलत मतलब कुछ सही रास्ते पे लेके जा रहा है। तो हम इसलिए चूज़ करते हैं कि ये बेटर पाथ हो सकता है रिलेटिवली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, कुएं में सब कूद रहे हैं और उसमें से कुछ लोग बच करके बाहर निकल रहे हैं। तो चलो मैं कुएं में ही कूद जाता हूँ क्योंकि घर वाले भी कह रहे हैं कुएं में कूद जा। अच्छा, खाई में तो मैंने देखा कि बहुत लोगों ने छलांग मारी, उसमें से कोई बचा ही नहीं, तो चलो कुएं में ही कूद जाते हैं। कुएं में एटलीस्ट बचने की पॉसिबिलिटी तो है। आई थिंक कुछ पॉसिबिलिटी तो है कि वहाँ पे मतलब कुछ अगर मेहनत करेंगे डिसिप्लिन से कुछ तो चांस है कि हम हो पाए यहाँ पे कुछ सक्सेस आ पाए। लेकिन अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। बट आई थिंक सर कोई हमारे पास रियल डेटा भी तो नहीं है कि क्या पता वो भी गलत निकले अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें इतना। और तो आपको श्योरिटी चाहिए बेसिकली, यू वांट श्योरिटी कि अगर मैं ये करूँ तो वहाँ पे गारंटी हो कि मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा। कोई भी आपको ये श्योरिटी क्यों देगा? लगाओ दिमाग, अगर मैं ये श्योरिटी आपको दे रहा हूँ तो मैं क्यों दूंगा ये श्योरिटी? ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को, ये जो आपकी कमजोरी है ना इसका फायदा उठाने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो आपको कह रहा है कि देखो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा है, जॉब में कुछ नहीं पढ़ा है, तुम अपना बिजनेस करो। लेकिन कैसे? मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। वहां पे भी धोखा दे सकता है। धोखा दे नहीं सकता है, 99.99% धोखा देगा। इतना दिमाग में रखो कि जो सामने वाला मेरे को बोल रहा है ये करने के लिए उसमें उसका क्या मोटिव है, ऐसे सोचना शुरू करो कि वो जो बोल रहा है या बोल रही है उसका क्या मोटिव है। जो भी आपके अंदर से आ रहा है करने के लिए वो करो, बट उस पाथ पे देखो कि कैसे 99.9% जो लोग हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं और 0.01% है जो कुछ ढंग का कर रहे हैं, जेन्युइन कर रहे हैं। क्या आप उसमें आ सकते हो? इन अदर वर्ड्स, द मोमेंट यू डिपेंड ऑन समवन कि अपना मैं बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन उसमें तो बहुत सरदर्दी है, तो एक काम करता हूँ ये कंपनी है इसको जा करके ज्वाइन कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं अगर इसको ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। मतलब क्या? आपको कंपनी सेटअप नहीं करनी है, ये कंपनी ऑलरेडी सेटअप है, वहाँ पे जाओ पैसे दो ज्वाइन करो और उसके बाद में लाखों करोड़ों रुपये कमा लो। तो इस सब की वजह से क्या हो रहा है? आप किसी ना किसी पर डिपेंड हो रहे हो। द मोमेंट यू डिपेंड ऑन समवन, आपका खुद का दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया आपने ब्रेन वॉश होकर के, अब वो इंस्टीट्यूट वाले आपको बताएंगे कि आपको कैसे सोचना चाहिए। ये तक वो आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, उनको बोलो क्यों नेगेटिव क्यों ना सोचे, पॉजिटिव क्यों सोचे? क्योंकि उसमें आपका फायदा है, मेरा फायदा थोड़ी है। मेरा फायदा तो नेगेटिव सोचने में है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव सोच लूं तो हो सकता है इस ट्रैप से मैं एक साल में बाहर निकल जाऊं। लेकिन आप मेरे को पॉजिटिव सोचवा करके 5 साल तक अटका करके रखना चाहते हो क्योंकि उसमें आपका फायदा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछो। बट वी आर टू स्केयर्ड टू आस्क क्वेश्चंस। अपने घर में क्वेश्चंस पूछने में डरते हैं, क्वेश्चनिंग तो कभी किसी ने हमको सिखाई नहीं है। सोसाइटी में क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं। जो आपके आइडल्स हैं जिनका अगर मैं नाम ले दूं तो अभी आप फड़फड़ाने लग जाओगे, अरे सर ये किसके बारे में आप क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, एक नंबर का चोर है वो। बट आप उनके लिए मेरे से लड़ने लग जाओगे। समझ रहे हो आप किस लेवल के वो हो? वो मतलब जो भी फिल इन द ब्लैंक्स। इस वजह से आपको बेवकूफ बनाने के लिए चारों तरफ लोग बैठे हैं। बट द मोमेंट यू से एंड यू एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट कि मुझे कोई गाइड नहीं करेगा, मुझे खुद फिगर आउट करना है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक थिंग कि मुझे कोई अमीर नहीं बनाएगा, मुझे यूज करेगा खुद अमीर बनने के लिए। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो अब आप सही जगह से सही तरह की नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दोगे। ध्यान से समझना, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पे चले हैं। अगर आपको लगता है कि उस ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पर, और लगता है नहीं, बेस्ड अपॉन योर पास्ट रिकॉर्ड आपको पता है कि हाँ वहां पर मैं कुछ उखाड़ सकता हूं या उखाड़ सकती हूं, तो वो पाथ बुरा नहीं है आपके लिए। तो मैं किसी भी ऑप्शन को पूरी तरह से रूल्ड आउट नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, आप पहले अपने आप को जानते हो, इतना तो जानते हो ना कि आप एक एंट्रेंस को क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आउट ऑफ मान लो 10 लाख बच्चों में से क्या आपका नाम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। इफ यू आर श्योर तब जाओ ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पे, बट इफ यू आर नॉट श्योर, आप यहां पर आकर के क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर वो मेरे पेरेंट्स के कहने पे ना मैंने ये कर तो लिया है, ये कोचिंग ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन वहाँ पे ना सर ना डिस्ट्रैक्शंस चलती रहती हैं, वहाँ पे ना पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ समझ नहीं आता है सर क्लास में, मोबाइल पे ना मैं अपना बैठता हूँ ये सोच करके कि 1 घंटा टाइम पास करूँगा, लेकिन फिर 6 घंटे हो जाते हैं। अगर इस तरह की बातें कर रहे हो तो वहाँ से 5 साल अपने ख़राब करने से अच्छा है आज ही बाहर निकल जाओ। अगर आप अपने आप को ये सच बोल पा रहे हो कि नहीं मेरे अंदर उस ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पे चलने की कैपेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन अपना कुछ करने की है। अगर एक वर्ड में बोलूं तो अगर आप थोड़े से जुगाड़ू हो, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इंडिया में ही है ये जुगाड़, मतलब किसी तरीके से जुगाड़ करके अपना रास्ता बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो अपने बेस पर, तो एक तो बेसिक लेवल पे हाथ पैर मारने शुरू कर दो। मतलब क्या कि कहीं अपने आसपास में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिख रही है, उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, बैठे बैठे सोचते नहीं रहोगे कि अच्छा जब मेरे को ना बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए तब मैं कुछ करना शुरू करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा है मैं अपने घर से तब निकलूंगा जब सारी जो बत्तियां हैं वो हरी होंगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं, तो आप घर से कभी निकलोगे ही नहीं। तो हाथ पैर मारो, मतलब कि फेल होने के लिए तैयार रहो, 8-10 फेलियर्स को चखो। सुनना मेरी इस बात को ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ी अलग है बाहर की दुनिया से, ध्यान से सुनना। यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि 5-10 फेलियर तो होने ही हैं, इसीलिए जब पता है कि 5-10 बार फेल होगे तो जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो, मान लो आप 20,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो तो 2-2 हज़ार रुपये 10 बार डुबो दो। अब ऐसा नहीं है पैसा ले जा करके एक्चुअल में नाली में बहा देना है कि सर ने कहा था डुबो दो तो डुबो दिया, और अगर इतने बड़े बेवकूफ़ हो तो कुछ भी मत करो वो बेटर है। तो क्या कर सकते हो, कुछ बुक्स पढ़ो, देखो लोगों ने क्या किया, कैसे किया, जिन्होंने बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया आगे तक गए, कैसे गए, क्या गए। बहुत सारी बुक्स हैं, एक से बढ़कर एक हैं, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है नेपोलियन हिल की, कमाल की बुक है। आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों ने पढ़ी है, हाथ ऊपर करना कितनों ने पढ़ी है। मुश्किल से 5-7 लोगों ने। ऐसी और भी बहुत सारी बुक्स हैं वो पढ़ो, ऐसे और बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज हैं वो पढ़ो। प्रॉब्लम्स को ढूंढो, उनके सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैंने एक लिक्विड सोप मैन्युफैक्चरिंग का काम किया था जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी हार्डली 500 रुपये या 1000 रुपये, और वो लिक्विड सोप जो मार्केट में मिलती थी एक कंपनी की 400 रुपये की, वो मैंने बना ली थी 10 रुपये में और ले जा करके बेचनी शुरू कर दी थी। कुछ नहीं हुआ उसकी वजह से, मतलब वो बिज़नेस फेल हो गया था बुरे तरीके से, लेकिन उसको करने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। कहाँ से कैसे परचेज करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, पब्लिक डीलिंग क्या होती है। तो वो फेलियर बेकार नहीं गया, उसने मुझे कुछ सिखाया। तो द मोमेंट यू आर ऑन अ नॉन ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ You must be ready to fail, not just 1 or 2 times, but 10 times. Yes, yes. Yes तो बोल दिया आपने, but ऐसी साइकी नहीं है हमारी लोगों की। अगर आप सिलिकॉन वैली में जा करके देखोगे, स्टडी करोगे, जहाँ से कि वर्ल्ड की जो भी ऐसी कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है, फिर चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, ये सारी कंपनीज US से निकली हैं। तो इन एक एक कंपनी के पीछे हज़ारों ऐसी कंपनीज हैं जो फेल हुई है। तो वहाँ पे फेलियर को एप्रिशिएट किया जाता है, यहां पे फेलियर को ऐसे देखा जाता है कि अगर आप फेल हो गए तो लोग आके आपको पता है क्या बोलेंगे, बजाय ये बोलने के कि अच्छी बात है बच्चे ने ट्राई तो किया, वो आकर के बोलेंगे मुझे तो पहले ही पता था कि इसका कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप कुछ कर गए तो वही इंसान आकर के बोलेगा, सारा क्रेडिट ले जाएगा, वो कहेगा अरे मुझे तो पहले ही पता था इस लड़के में कुछ बात है, ये तो कुछ बहुत बड़ा करेगा, मुझे पहले ही पता था। उसको कुछ नहीं है। सक्सेस में अगर आप दावत दे रहे हो तो वहां पर आकर के फ्री का खाना है और फ्री की दारू पीनी है उस आदमी को, और फेल हो गए तो अपने आप को ऐसे दिखाना है कि मैं समझदार हूं और ये तो बेवकूफ है। आपके आसपास में बहुत आएंगे समझदार लोग जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं उखाड़ा है, और आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और आपको आकर के क्या कहेंगे, मुझे तो पहले ही पता था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तुझे कैसे पता बे? क्या किया है तूने अपनी जिंदगी में? मतलब क्या कि अपना रास्ता बनाना है। कैसे बनाना है? खुद बनाना है। क्या कोई आपकी हेल्प करेगा? करेगा भी और नहीं भी। मैं बता देता हूँ कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। वो इंसान जो आपसे पैसे नहीं ले रहा है वो आपकी हेल्प करेगा और उससे हेल्प लेनी भी चाहिए। मान लो आपकी फैमिली में कोई है इंसान जिसने अपना कोई काम किया है, कोई बिजनेस किया है, अब उसके पास आप जाओगे सलाह मांगने के लिए, आपके चाचा है, मामा है, ताऊ है या कोई दूर के रिश्तेदार हैं, वो क्या आपसे पैसे मांगेंगे कि तू सलाह लेने आया है दे 500 रुपये? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हो, उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो, उनसे राय ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ किया है जो आप करने वाले हो। तो ये फ्री के कंसल्टेंट हैं, इनको यूज़ करो। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है अपना रास्ता बनाना, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज़ को क्रैक करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है बिजनेस वर्ल्ड का। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है जिसको अभी और कोई अच्छे से सॉल्व ना कर रहा हो, यानी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से कनेक्ट कर सको। इतना सा अगर आप कर सको तो आप इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, बट यही मज़े की बात है कि इसको क्रैक करने में 5-10-12 फेल होगे, कुछ टाइम में आप क्रैक कर लोगे अगर आपका ऐसा माइंड है जो कि क्वेश्चनिंग माइंड है। अगर आपका क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपके लिए नहीं है। मतलब ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। एक है जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, दूसरा है जो नॉन ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है। वो उसके लिए है जिसका क्वेश्चनिंग माइंड है, यानी कि अगर वो कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो ये नहीं कि फटाफट से खरीदा और जैसे मान लो चिप्स का पैकेट है, फटाफट से खोला और खा गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने दिमाग दौड़ाया। चिप्स कितने का है, आलू कितने रुपए किलो आता है, इतने रुपए किलो आता है, इसमें कितना ग्राम है, इतना ग्राम है, और क्या लग गया, अच्छा तेल लग गया, ये लग गया, नमक लग गया, अच्छा ये इसकी कॉस्ट तो यार 2 रुपये है, ये 20 रुपये का पैकेट क्यों है, और ऐसे कितने पैकेट बिकते होंगे पूरे इंडिया में, अच्छा ये ब्रांड कैसे बनता है, मैं यही पर्टिकुलर ब्रांड का क्यों पैक खरीद रहा हूँ, यहाँ पर तो 10 ब्रांड्स के रखे थे, मैंने यही क्यों खरीदा, अच्छा इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है 0% ट्रांसफैट, मुझे तो पता भी नहीं ट्रांसफैट होता क्या है, फिर भी मैं यही क्यों खरीद रहा हूँ, क्या 0% से अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अब आप कहते हो कि भाई ना मैं ट्राइड एंड टेस्टेड पे कुछ उखाड़ सकता हूँ, ना मैं ये नॉन ट्राइड एंड टेस्टेड पे कुछ कर सकता हूँ, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो अब मैंने बात करी है अपनी एक वीडियो में जो अभी कुछ दिन पहले अपलोड हुई है, हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। मतलब क्या, आपने कुछ भी करके, कैसे भी करके, थोड़ा बहुत कहीं पर जॉब लग गई, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो, थोड़ी बहुत सेविंग्स है, उस सेविंग्स को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो, किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो जिसको आप शेयर्स कहते हो, स्टॉक्स कहते हो, वो एक्चुअल में बिजनेसेस हैं। किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो जो आपको पता है कि आने वाले 5-10 साल में बहुत बड़े होने वाले हैं, तो वो पैसा आपका अपने आप ही 10 से 20 गुना हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आज आपने 10 लाख रुपये लगाया एक पर्टिकुलर बिजनेस में और वो बिजनेस अगले साल 30% से ग्रो कर गया और हर साल 30% से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में आपकी कमाई कितनी होगी। कैन यू सी दैट। देखें एक बार प्रैक्टिकली देखें, 10 लाख रुपए आपने लगाया, अब वो 10 लाख रुपए आपके पास आया कैसे। इसका मतलब आप कोई जॉब कर रहे हो जहाँ पे मान लो आप 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, 6 लाख रुपये साल का आ रहा है, उसको जोड़ करके वहाँ से आपने मानो 2-2 लाख रुपये जोड़ा, 5 साल में आपने 10 लाख रुपये जोड़ लिया। तो अब इस 10 लाख को अगर आपने ढंग से इन्वेस्ट कर दिया तो अभी आप अपने जॉब से कितना कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, यहां से देखते हैं आप कितना कमा सकते हो। अगर किसी ऐसे बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया जहां पे ग्रोथ रेट है अप्रॉक्सीमेटली 30%, तो पहले साल में आपने कितना कमाया 10 लाख पे, 3 लाख रुपए, यानी महीने का कितना, 25,000 रुपए। उसके अगले साल आपकी जॉब में मान लेते हैं आपकी सैलरी बढ़ गई 10% से, तो 50,000 से हो गई 55,000, यहां पर 30% की ग्रोथ आई वापस से, बट जो 30% आपको मिला वो 10 लाख पे नहीं मिला, 13 लाख पे मिला। तो 13 लाख पे 30% कितना होता है, 3,90,000। उसके अगले साल जब आपको 30% आएगा तो कितने पे आएगा, 16,90,000 पे आएगा। तो कितना हो गया 30%, 5 लाख। तो क्या जितना आप दिन में 8 से 10 घंटे काम करके कमा रहे हो, यानी कि जॉब से, उतना आप बिना कुछ करे यहां से नहीं कमा रहे हो। तो इस तरह से अगर आप सोच पाओ, समझ पाओ, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो।